एक दोन गोष्टी सांगण्याचे राहिल्या होत्या त्यावेळी. मला होतं की खरेदीदार आपला मत देणार आणि त्यानंतर ते सांगायचं. म्हणजे एक है गुणवत्ता. जब तक खरीदीदार को क्या चाहिए, आप एक दुकान में जाते हैं, आपको शर्ट खरीदना है, आपको पता है आपको लाल रंग का कॉटन का शर्ट खरीदना है, आप उस दुकान में जाके बोलते हैं मुझे लाल कलर का कॉटन का शर्ट दीजिए. उसने आपको ब्लू दिखाया, नीला दिखाया, पीला दिखाया, वो सब तरह से कोशिश करेगा कि आप ये खरीद लो, उससे सस्ता है, ये उससे अच्छा है, ये फॉरेन से आए. इधर आप बोले साहब समझते क्यों नहीं, मुझे क्या चाहिए, लाल कलर का शर्ट और सूते का शर्ट चाहिए. आप मेरे को सिल्क का भी दोगे तो मेरी ज़रूरत नहीं है, और आप मुझे पॉलिस्टर का दोगे तो वो मैं लेने वाला नहीं. तो खरीदीदार को क्या चाहिए, तो आपके मन में हमेशा ये सवाल रहना चाहिए और आप हमें भी पूछना चाहिए, क्योंकि आप कॉटन गुरु परिवार में आने के बाद आपकी उत्सुकता के ऊपर ही आपकी प्रगति होगी. ये आप समझिए, हम तो जितना दे सकते हैं आपको देने वाले ही हैं, लेकिन जितनी आपकी उत्सुकता होगी समझने की कि ये क्यों हो रहा है, ये इतने सब लोग क्यों आए हैं, ये क्यों बात कर रहे हैं, इनका क्या इसमें लेना है, हमको क्या मिलना है, तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए अच्छा कापूस. और कुछ मांगा इन्होंने आपसे नहीं? आपकी कोई पर्सनल चीज़ मांगी? आपसे कुछ अपेक्षा है, कुछ दिखाई नहीं? ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अच्छा करिए, कुदरत के साथ रहिए, नैसर्गिक खेती करिए. इसमें इनका कुछ पर्सनल फ़ायदा कहीं दिखाया नहीं? दिखाया. पर ये जो चाहते हैं वो है अच्छा कापूस. तो जब भी आपकी कापणी होती है, जब आपकी बेचनी होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तब क्या क्या करना है, जो हमारी टीम आपको गाइडलाइन देगी कि पिकिंग को अलग रखना है, कापणी कब करना है, मैच्योरिटी कब किसको बोलते हैं, है ना? हम 12 साल की लड़की की शादी कर सकते हैं क्या? नहीं करते. और 30 साल की लड़की की शादी जल्दी होती है क्या? नहीं होते ना. क्या ताई होते का ना होते ना. तो एक हम जल्दी करना चाहे तो कर नहीं सकते, और एक हम लेट हो गए तो जो भाव से बेचना चाहे हम बेच नहीं पाएंगे. तो हर चीज़ का महत्व समय से है, और ख़ास करके खेती में ये महत्व है. तो जब हम आपको गाइडलाइन देंगे कि ये बेचने के लिए राइट समय है, साठौनी आप उस तरह कीजिए, स्टोरेज आप इस तरह कीजिए, तो आपके लिमिटेशन में भी वो शक्य होगा, ऐसे ही सजेशन आपको देंगे, है ना? और FPO है, हम हैं आपके साथ, खरीदीदार है, उनकी टीम है, अपना परिवार जुड़ा हुआ है, तो आपकी मुश्किलें हमें पहले दिन से ही आइडिया लग जाएंगी कि आप क्या नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा सजेशन हम देंगे ही नहीं. पर आप अगर सुन के करेंगे नहीं, और फिर अगर आपको भाव नहीं मिलते हैं, आप मिक्स कापूस लाएंगे, हल्की भारी गुणवत्ता का कापूस लाएंगे, कच्चा पक्का कापूस लाएंगे, गीला पीला कापूस लाएंगे, और आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को सत्यप्रकाश राउत को जो मिला वो भाव चाहिए, सूर्य झुंझारे को जो भाव मिले, सरपंच जी को आपने भाव ज़्यादा दिए, हम आदमी को देख के भाव देने वाले नहीं हैं. हम किसको देख के भाव देंगे? क्वालिटी को देख. कापूस, सिर्फ कापूस बोलेगा तो कापूस जो अच्छा लाएगा उसको उस दिन का ऊंचा भाव मिलेगा, या हमने उस दिन के जो ऊंचे भाव निकाले हैं वो उसी को मिलेगा जो अच्छा कापूस लाएगा. और ये आपके हाथ में है, और ये हम सब मिलके करना चाहते हैं अगर आपका सहयोग रहे तो. तो ये आपने जिन परिवारों की जिम्मेदारी ली है उन तरफ भी देखना है. सिर्फ मेरा कापूस नहीं है ना, मैंने जिन 40 परिवारों से 135 परिवार की जिम्मेदारी ली है, क्यों सुद्रभ, उनका भी शेतकरी तुमचे ओळखीचे होते, जवळपासचे होते, तुम्ही जास्त भाव त्याला दिले, कोणी सांगण्याची वेळच आली नाही पाहिजे. इथे निष्पक्षच खरेदी होणार आहे हे आश्वासन आम्ही तुम्हाला देतो, पण गुणवत्तेकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे, ते खूपच महत्त्वाचं राहणार आहे पुढे जाऊन. आणि ते एक मॉडेल बनणार आहे दुसऱ्या शेतकऱ्यांसाठी की गुणवत्तेची काय व्हॅल्यू आहे, है ना? कापूस सर्वांकडेच असणार आहे वेचणीचा वेळी, पण भाव तर सर्वांना मिळणार नाही. जे लोक चांगली गुणवत्तेचा देणार त्याला भाव मिळणार. तर तुमच्या वतीने मी खूप भांडतो खरेदीदाराशी की हे बजेट पास करा, हे केलं पाहिजे, ड्रम दिले पाहिजे, हे केलं पाहिजे, ते मी करत आहे. पण त्यांच्या वतीने एकच आश्वासन तुमच्याकडून पाहिजे की सर्टिफिकेशनसाठी जे जे गरजेचं आहे ते आम्ही सर्व करून घेणार, नंबर वन, आणि गुणवत्तेदार कापूस आम्ही तुम्हाला आणून देणार. हो की नाही? हो. जोराने. हो.
अजून जोरा ने सर्व म्हणत नाही आहे, ताईचा आवाज आला नाही, हो की नाही करणार? हां ठीक आहे. तर आता या कार्यक्रमाचा अंतवर आपण आलो आहोत. एक चहा पाणीचे हे दिलं तेव्हा अगोदर मी यांना रिक्वेस्ट करतो टी शर्टचं वाटप करून द्या आणि हे लोक चहा घेतील तेपर्यंत फटाफट तुम्ही टी शर्ट घालून या. साईजसाठी आता भांडू नका, तुम्ही नंतर एक्सचेंज करा. पण आपल्याला एक ग्रुप फोटो घ्यायचा आहे म्हणून फटाफट चहा पाणी होत आहे तेपर्यंत तुम्ही हे टी शर्टचं वाटप तुम्ही अगोदर करून घ्या. पुरेश भाऊ आणि संदीप कुमारजी घ्या. साथियों, ये टी शर्ट बांटने का एक और भी मकसद है, वो आपको ये बताने का है कि आप और हम एक ही हैं. हमने जो पहना है वही आप पहनेंगे. थैंक यू वेरी मच. मिलिंद शेवटी का है तो मैं कि सरपंच जी आप दोन शब्द ठीक है चालू है क्या? इतने सगे लोग आले. अपन सगत पहले हमने शुरुआत ही किया था कि किसान का हमेशा का एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो माल पका सकता है, बेच नहीं सकता है. तो हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी और हम लोग बहुत सालों से यही ट्राई कर रहे थे कि किसान को हम लोग अगर माल का सही दाम अगर दिला सके, और वही बात ढूंढ रहे थे. तो मनीष डागा जी के कांटेक्ट के माध्यम से आप लोगों का परिचय हुआ, और जैसा आपने बोला कि ये दो साइड है, एक साइड है बनाने वाला, एक साइड है लेने वाला. हम हमेशा बात करते हुए बोलते हैं कि हर जो चीज़ है मोबाइल से लेके पेन से लेके उसने अपनी कीमत तय करके रखी, खाली किसान ऐसा है कि जो अपनी कीमत नहीं पा पाता है. और यही हमारी समस्या है. अगर ये समस्या का आज यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है अगर वो हल मिल सका तो हम लोग बोल सकेंगे कि किसान को और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको. उसको बहुत डबल ट्रिपल भाव नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. उसने जितना लगाया उसका घर जितने में चलता उतना चाहिए. और उसमें हम लोगों को ऐसा सपोर्ट मिल रहा है कि हमारे जैसे सरपंच साहब है, उन्होंने, मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रोड्यूसर कंपनी का एक्टिविटी देख के उन्होंने एक ठहराव पास किया और यहाँ पर प्रोड्यूसर कंपनी को एक ज़मीन दिलाया. मैं जैसा बता रहा था आपको, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. गवर्नमेंट ने भी ये बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि प्रोड्यूसर कंपनी को अगर ज़मीन दे, ज़मीन ही तो मेन प्रॉब्लम है. और अगर एक आधा सेटअप डालने के लिए ज़मीन अगर गवर्नमेंट को जगह दे दिया अपना ग्राम पंचायत ने, तो प्रोड्यूसर कंपनी का आगे का काम